लखनऊ में समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश ने जमकर एक दूसरे पर शब्द बाण चलाए। पहले चाचा शिवपाल यादव ने अपने भाषण में अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को काम करने के बाद भी सीएम पद नहीं मिलता तो कुछ लोगों को ये विरासत में मिल जाती है। चाचा शिवपाल को जवाब देते हुए अखिलेश ने उनके करीबी गायत्री प्रजापति के बहाने उन पर निशाना साधा। अखिलेश ने एसपी के रजत जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम लेते हुए कहा कि प्रजापति को कहेंगे कि हमें तलवार दे देते हो भेंट में, पर कहते हो कि मैं तलवार ना चलाऊं, कैसे हो सकता है? आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है ये भारत का भविष्य तय करेगा कि भारत किस तरफ जाएगा। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं आपने तमाम लोगों को कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी एक बार फिर लौट करके आएंगे। ऐसी ताकतों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। इसलिए साथियों, हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी हारे, बीएसपी हारे और फिर नेताजी। और हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को, हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार मैं न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें, हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? बता दें कि समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह के संयोजक गायत्री ने मंच पर बैठे सभी अतिथियों को तलवार देकर स्वागत किया था। गायत्री को अखिलेश एक बार अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर चुके हैं। अखिलेश ने इसी बहाने संभवतः ये समझाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री बनाया है तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।